गरियाबंद देवभोग देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष उमेश डोंगरे व किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडे के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देवभोग में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रैलियां निकाली। इस विरोध प्रदर्शन में गैस की बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की बढ़ती महंगाई, टमाटर की बढ़ती महंगाई को लेकर टमाटर सब्जियों की माला पहनाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे श्रीमान जी? महंगाई जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से महंगाई कर रही है, कभी सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं बोलती, पेट्रोल के बारे में कुछ नहीं बोलती, खाली हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर, राम 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 राम, बस यही केंद्र सरकार जानती है और कर रही है। और हमारे राज्य में हमारे कांग्रेस की सरकार केंद्र वहाँ महंगाई बढ़ा रही है, तो हमारी काका की सरकार महंगाई से लड़ने के लिए नई नई योजना ला रही है। जैसे भाई ने कहा कि इस्तीफा दे दो, मैं भी वही कहूँगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप इस्तीफा दे दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, इस देश को आपकी ज़रूरत नहीं है। आज देश को जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है, क्योंकि आज दिन ब दिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, रसोई खाद्य सामग्री के दाम दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है, जिससे आम जनता को घर चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं वो बोलना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, ये क्या यही अच्छे दिन थे क्या? मैं आपसे निवेदन करता हूँ मोदी जी, हमें पुराने दिन वापस लौटा दो। हम नहीं खा सकते भाई 160 रुपए के जी टमाटर, हम नहीं डलवा सकते पेट्रोल 100 से पार वाला, हम नहीं डलवा सकते गैस सिलेंडर जो 1000 से 500। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दो, क्योंकि आपके वजह से आज पूरे जनमानस में हाहाकार फैली हुई है। आज सामान्य खाद्य सामग्री खरीदने में एक छोटा सा गरीब आदमी खरीद नहीं पा रहा है, जो बहुत कहीं ना कहीं हम आपके लिए शर्म की बात है। अगर आप अगर देश को नहीं चला चाहते हैं तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपसे नहीं चल पा रहे तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इससे कम से कम मेरा देश बच जाएगा और लोग अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। उमेश प्रधान की रिपोर्ट।